तो दोस्तों बस कुछ ही दिन बचे हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को रिलीज होने में, और इसी के साथ साथ हम सबको पता चल जाएगा कि टोनी स्टार्क का सीक्रेट क्या है। अब टोनी स्टार्क के सीक्रेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क ने अपने लैब में बहुत सारी ऐसी चीज़ छुपाई है जो हर मूवी में धीमे धीमे हमें पता चली है। अब यहाँ पे लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में हमें टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलेगा। अभी मैं नहीं जानता कि टोनी स्टार्क का सीक्रेट क्या, लेकिन फिर भी मैं दो चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ जो आप सब भी रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होगा वो टोनी स्टार्क का सीक्रेट लैब, जिसके बारे में लोग बहुत पहले से बात कर रहे थे कि जैसे ही पीटर अपने पीछे मुड़ता है उसको एक लैब मिलती है जहाँ पे पीटर कुछ भी डिज़ाइन कर सकता है जो उसकी दिमाग के लिमिट के भी पार हो। मतलब कि उस लैब में जो भी जाएगा वो अपने मन मुताबिक अपना मन चाहा सूट बना लेगा सिर्फ अपनी सोच की वजह से। ये एक अजम्पशन है, मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि टोनी स्टार्क का बिगेस्ट सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट टोनी स्टार्क का क्या हो सकता है? हो सकता है जैसे ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स ख़त्म हुए थे, टोनी स्टार्क को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर उसे वापस सब कुछ ठीक करना पड़े तो उसको अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जैसे कि हमने हर मार्वल मूवी के सीरीज़ में देखा है, टोनी स्टार्क को हमेशा भयंकर भयंकर थॉट्स आते रहे कि उसकी टीम मर रही है और वो उसे बचा सकता था। जैसे कैप्टन अमेरिका ने एक शॉट में मरते हुए कहा था टोनी स्टार्क से, जब स्कारलेट विच ने टोनी स्टार्क को विजन दिखाया था तुम हमें बचा सकते थे। तो हो सकता है टोनी स्टार्क को ये लग रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे बाकी जो सुपर हीरो फ्रेंड्स हैं उनका क्या होगा, खासकर पीटर और मॉर्गन स्टार्क का क्या होगा। अब यहाँ पे टोनी स्टार्क ने इसलिए 5 साल तक अपने ऊपर काम किया, अपने ब्रेन के ऊपर काम किया और अपने ब्रेन की एक AI बना ली और एक सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया, बाद में उसे पीटर ने डिस्कवर किया। ये हो सकता है टोनी स्टार्क का दूसरा सीक्रेट, और ये सीक्रेट काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, उस सीक्रेट लैब से तो कई गुना ज़्यादा धमाकेदार है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा सीक्रेट रिवील हो तो यही हो कि टोनी स्टार्क की AI मौजूद है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और वो हमेशा रहेगी एज ए डिजिटल फॉर्म में। लेकिन अब रॉबर्ट डॉनी जूनियर तो आ नहीं सकते MCU में, लेकिन अगर उनकी आवाज़ रहती है MCU में पीटर को गाइड करते हुए और एक डिजिटल इमेज आ जाती है तो कुछ राहत मिलेगी मार्वल फैंस को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से टोनी स्टार्क का नया सीक्रेट क्या होगा? अपने व्यूज ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।